Interchange 38 cruise Heidelberg, Schwetzingen. Use the right lane to follow signs for B535 toward Heidelberg, then keep right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं हाइडलबर्ग। तो चलिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ आज की रूटीन, आज का दिन कैसा गुजरा। दरिया के साथ साथ होते हुए हम लोग जा रहे हैं किले की तरफ। तब तक आपको हाइडलबर्ग सिटी भी थोड़ा थोड़ा दिखाते जाए। पर किले की तरफ चढ़ाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मसला ये है पार्किंग का। अब पार्किंग ढूंढनी है, जहाँ पे पार्किंग का इनका निशान पे नजर आते हैं तो वहाँ पे पार्किंग ढूंढते हैं, उसके बाद फिर पैदल उस साइड पे होंगे। बहुत ही अच्छी जगह पर हमें पार्किंग मिल गई है और यहाँ से सामने ही हमें सारा नजर आ रहा है और हम लोग बड़ी आसानी से 2 मिनट में वहां पर पहुंच सकते हैं। यहाँ से हमने इन रास्तों से नीचे की तरफ जाना है और वहाँ नीचे वो रही वो जगह जहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं। ये पीछे दरख्तों के आपको किला नजर आ रहा होगा। Wash your shoes. इस हिस्से के बारे में कहा जा रहा था कि शायद बम गिरने की वजह से पूरे का पूरा ही जितना हिस्सा था वो नीचे आ गिरा। चलिए किले के अंदर चलते हैं।
अंदर की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन जो तस्वीरें मैंने ली थी वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ या वीडियो बना लेती या फिर मैं देख लेती, तो बस तस्वीरें ही ली मैंने अंदर से। बाहर आकर अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। ऊपर से मंजर इसका भी बहुत ही खूबसूरत था, अंदर से साइड पे चलता दरिया, किले की इमारत बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। अब ये एक तरफ हटके एक तीसरा हिस्सा है जिसके बाहर उसके लगाया हुआ था कि यहाँ पर जानवर जैसे छिपकले नुमा बड़े बड़े छिपकलियाँ, सभी छिपकले कह सकते हैं, पंजाबी में चिरले भी कहा जाता है, गो वगैरह इस किस्म के जानवर इसके अंदर पाए जा सकते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। तो बस वहां से निकलकर हम अब दोबारा से स्टार्ट की तरफ, सिटी की तरफ, सेंटर में इस तरफ को आ गए हैं, क्योंकि हमने जाना है इलामा इकबाल रिट्रीट देखने, इलामा इकबाल का घर देखने। तो हम दोबारा से शहर की तरफ आ गए हैं। इलामा इकबाल की रहाइश का के बहुत पास पहुंच गए हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कहीं भी पार्किंग नहीं है जहाँ पे हम पार्किंग लगा सकें। आपको इस साइड पे ब्राउन सा गेट नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इलामा इकबाल की रहाइश का थी, ये जो गुजर के गया है यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। तो हम लोग ऊपर से घूम के आते हैं, हो सकता है कहीं हमें पार्किंग मिल जाए तो आके हम गाड़ी रोक के उतर कर देख सकें। यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोक कर तस्वीरें ही ली जा सकी, क्योंकि पार्किंग हमें कहीं भी नहीं मिली।
बहुत अरसे से बहुत ज्यादा शौक था मुझे इस जगह आने का, देखने का। आज मेरा वो शौक पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं से प्रोग्राम बन गया फ्रैंकफर्ट में अपने एक दो घरों में जाने का, तो हम लोग अब थोड़ा सा फ्रैंकफर्ट में रुकेंगे एक दो घरों में वहां से मिलते हुए, उसके बाद फिर आज ही हमारी वापसी है। और इनसे मिलिए, ये हैं बड़ी, बहुत प्यारे नेट और प्यार करने वाले हैं ये, घर के सबसे लाडले और सबसे ही प्यार करने वाले। मेहमान चला जाए तो घर वालों से ज्यादा मेरे ख्याल से इनको खुशी होती है। ऐसा लगता है कि इसका बस नहीं चल रहा होता कि अगर इसको मेरे ख्याल से इंसानों की तरह बोलना आता हो तो ये खुद से हमें कहे कि बैठो आओ ये खाओ वो खाओ। इतना ज्यादा ये आगे पीछे घूमता है, छोटा सा था जब ये इस घर में आया है। 2019 की इसकी पैदाइश है। ये इतना प्यारा और मासूम है, इसकी आंखें इतनी मासूम है कि मेरे जैसी डरने वाली को भी प्यार आ रहा था इसके ऊपर। और आगे पीछे ये घूमता है, साफ सुथरा सा ये डॉगी है, बहुत ही प्यारा और बहुत प्यार करने वाला और मासूमियत का मैं देखे चुटकी मुंह में डाल के बैठा हुआ। तो यहाँ हम लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठे। 2-2.5 घंटे के बाद मैं भाई की तरफ चली गई। खाना बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया हुआ था यहाँ पर, बड़ा मज़ा आया खाने का। और मैंने फरमाइश करके दाल चावल बनवाए थे, काफ़ी दिनों से सफ़र में थे और गोश्त वगैरह मेहमान नवाजियाँ हो रही थी और वो मेरा बड़ा ही दाल चावल खाने को दिल चाह रहा था, बहुत मज़ा आया। तो इसके बाद फिर हम भाई की तरफ चले गए। भाई के घर जाके एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी कैफियत थी कि जैसे अपने बाप के घर में आ गई। वहां से आने का मेरा उठने का पहली दफा ऐसे था कि दिल नहीं जा रहा था, शायद अपनी तबीयत की वजह से परेशान थी कि पता नहीं अपने प्यारों को दोबारा देख पाऊंगी या नहीं। बहरहाल यहाँ पे मैं भतीजों के शौक देख रही थी कि कैसे चीजें कठिन हुई हैं। और भाई मेरे को शौक है पौधे लगाने का, वो हर साल वो पनीर ही पहले घर में लगाता है, उसके बाद अपनी पाकिस्तानी सब्जियां और सब कुछ वो अपने बालकोन में लगा लेता है। बड़ा प्यारा सा इसने एक गार्डन भी लिया हुआ है, पूरा सेबों का बाग है। तो अगली दफा अल्लाह ने जिंदगी दी तो जरूर जब भी मैं इसके पास गई तो वहां का विजिट करूंगी। बस इसके बाद हम लोग घर रवाना हो गए। टाइम काफी हो गया हुआ था लेकिन बस यही था कि घर पहुंचते हैं और सोते हैं, सुबह फिर दोबारा अगर इधर सो जाए इधर रह जाए तो सुबह फिर दोबारा सफर करना है, तो अभी निकल जाते हैं। बस तो हम लोग चल पड़े फिर घर की तरफ। 3:30 हम अपने सिटी में अपने शहर में पहुंच गए। तो यहाँ मेरा सफर खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।